हेलो दोस्तों, तो चलिए हम लोग कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस और उनके आंसर्स देख रहे हैं। ये सभी आपके क्वेश्चन आईएएस पीसीएस प्रीलिम्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहेंगे, ठीक है। तो अभी इस तरह के हम लोग 39 टेस्ट ख़त्म कर चुके हैं, ये आपका 40वां है। तो चलिए हम लोग 40वें टेस्ट का पहला क्वेश्चंस देखते हैं। क्या है हमारा पहला क्वेश्चन? निम्नलिखित योगों पर आपको विचार करना है। क्या करना है? विचार करना है। डियर करेंसी कम ब्याज दर वाली व्यवस्था है, गलत है। सॉफ्ट करेंसी किसी अर्थव्यवस्था की विदेशी मुद्रा बाजार में आसानी से उपलब्ध है, ये सही है आपका। हार्ड करेंसी अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा जिसकी आवश्यकता हर अर्थव्यवस्था को होती है, हार्ड करेंसी कहलाती है। तो इसमें आपका कथन 2 और 3 सही है, 1 आपका गलत है। क्या है कथन? 1 आपका गलत है। जो आपका डियर करेंसी है, महंगे धन का तात्पर्य ऐसी मुद्रा से जिसे उच्च ब्याज दर के कारण प्राप्त करना कठिन होता है। महंगा धन या महंगी मुद्रा प्रयास सख्त मुद्रा मुद्रा के रूप में जानी जाती है, क्योंकि यह उस दौरान होती है जब केंद्रीय बैंक सख्त मौद्रिक नीति अपनाता है। बैंकिंग उद्योग में इसका तात्पर्य ऐसे समय से है जब ब्याज दर अपेक्षाकृत ऊंची या फिर महंगी होती है। जो आपका चीप करेंसी है, चीप करेंसी यदि एक सरकार परिपक्वता अवधि से पहले अपने बॉन्ड पुनः खरीदना शुरू कर देती है तो अर्थव्यवस्था में जिस धन का प्रवाह होता है उसे सस्ती मुद्रा के रूप में जाना जाता है, इसे सस्ता धन भी कहा जाता है, ठीक है। और सॉफ्ट करेंसी हम लोग देख ही चुके हैं, किसी अर्थव्यवस्था की विदेशी मुद्रा बाजार में आसानी से उपलब्ध होती है, क्योंकि यह एक ऐसा पद है जिसका प्रयोग विदेशी विनिमय बाजार में होता है जो ऐसी मुद्रा को प्रदर्शित करती है जो आसानी से किसी भी अर्थव्यवस्था में उसके फॉरेक्स मार्केट में उपलब्ध होती है, ठीक है। जैसे उदाहरण के लिए भारतीय फॉरेक्स बाजार में रुपया एक सॉफ्ट मुद्रा है। हार्ड करेंसी की बात करें हम लोग, तो यह अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा है जिस पर सबसे अधिक भरोसा किया जाता है और इसकी आवश्यकता प्रत्येक अर्थव्यवस्था को होती है, जैसे डॉलर, ठीक है। क्वेश्चन है हमारा दूसरा, निम्नलिखित में से कौन सी विदेशी विनिमय बाजार में मूल ह्रास पद की सबसे बेहतर व्याख्या करता है? निम्नलिखित में से कौन सा विदेशी विनिमय बाजार में मूल ह्रास पद की सबसे बेहतर व्याख्या करता है? विदेशी मुद्रा के समक्ष घरेलू मुद्रा में के मूल्य में कमी, ए ऑप्शन सही होगा। क्या होगा? दूसरे में आपका ए ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन तीसरा, बिहार के निम्नलिखित में से किन उत्पादों को हाल ही में भौगोलिक संकेतक का दर्जा प्रदान किया गया है? जरदालू आम, कतरनी चावल, मगही पान, ये तीनों हैं। क्या हैं? ये तीनों हैं। तो इसमें क्या होगा आपका? डी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन है हमारा 4, भारत में बौद्धिक संपदा अधिकारों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? भारत में बौद्धिक संपदा अधिकारों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? पेटेंट आवेदनों की जांच पड़ताल में तेजी लाने के लिए सरकार ने तत्काल की तरह एक प्रणाली की शुरुआत की है, सही है। राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा अधिकार नीति IPRS को एक विपणन योग्य वित्तीय संपत्ति के रूप में बढ़ावा देगी, ये भी आपका सही है।
यानी कि क्वेश्चन नंबर चार में आपके दोनों कथन सही हैं। क्या है? दोनों कथन सही हैं, यानी कि सी ऑप्शन आपका सही होगा। क्वेश्चन है हमारा पांचवा, उद्यम पूंजी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? उद्यम पूंजी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? सही कथन हमें चुनना है। इस निवेश के माध्यम से प्राप्त स्वामित्व शेयरों के बाजार बराबर होते हैं। इसमें क्या होगा? बी ऑप्शन सही होगा। बात करते हैं छठवां क्वेश्चन। क्वेश्चन है छठवां, अलेक्जेंडाइन पैरा केट के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। यह दक्षिण तथा दक्षिण पूर्व यूरोप का स्थानिक है। गलत है। IUCN की लाल सूची में से संकट वन के रूप में सूचीबद्ध किया गया है। ये आपका सही है, तो इसमें आपका दूसरा कथन सही होगा। क्वेश्चन नंबर छठ में आपका दूसरा सही होगा। जो आपका अलेक्जेंड्राइन पैराकेट दक्षिण तथा दक्षिण पूर्व एशिया का स्थानिक है। दक्षिण पूर्व दक्षिण एशिया का स्थानिक है, ठीक है। जो अलेक्जेंड्राइन पैराकेट है, यह वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 की अनुसूची 1B के तहत संरक्षित है। यह दक्षिण और दक्षिण पूर्व एशिया का मूल निवासी है। क्वेश्चन है हमारा सातवां। क्या है क्वेश्चन? पी नोट्स के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। पी नोट्स के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। पी नोट्स ऐसे वित्तीय साधन हैं जो विदेशी निवेशकों को सेबी में पंजीकृत हुए बिना भारतीय शेयर बाजारों में निवेश की अनुमति प्रदान करते हैं। सही है। यह किसी पंजीकृत विदेशी संस्थागत निवेशक द्वारा विदेशी अधिकार क्षेत्रों में जारी एक डेरिवेटिव इंस्ट्रूमेंट है। ये भी आपका सही है। पी नोट्स जारी करने वाले ब्रोकर्स और FII को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड के पास पंजीकृत होना चाहिए। ये भी आपका सही है। तो क्वेश्चन नंबर सात में आपके तीनों कथन सही हैं। क्या है? तीनों कथन सही हैं, तो इसमें आपका डी होगा। तीनों कथन सही हैं। बात करते हैं आठवें क्वेश्चन की। निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। क्या करना है? निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। वरुण भारत और फ्रांस के बीच होने वाला एक संयुक्त नौसैनिक अभ्यास है। सही है। संप्रीति भारत और बांग्लादेश के बीच होने वाला एक संयुक्त नौसैनिक अभ्यास है। ये आपका गलत है। पहला इसमें कथन आपका सही है, दूसरा कथन आपका गलत है। क्योंकि संप्रीति भारत और बांग्लादेश के बीच होने वाला एक संयुक्त सैन्य अभ्यास है। क्या है? संयुक्त सैन्य अभ्यास है, ना कि नौसैनिक अभ्यास। याद रखना है, इस संप्रीति भारत और बांग्लादेश के बीच होने वाला एक संयुक्त सैन्य अभ्यास है, और जो आपका वर्ण है ये भारत और फ्रांस के बीच होता है। तो इसमें आपका केवल एक कथन सही था। क्वेश्चन है आपका नौवा। क्या है? गोबी मरुस्थल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। गोबी मरुस्थल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना। यह मध्य एशिया का एक हिस्सा है। सही है। यह उत्तर में अल्ताई पर्वत, दक्षिण पश्चिम में तिब्बती पठार से और दक्षिण पूर्व में उत्तर चीन के मैदान से घिरा हुआ है। ये भी आपका सही है। क्या है? ये भी आपका सही है। तो इसमें आपके दोनों कथन सही होंगे, यानी कि सी ऑप्शन सही होगा। बात करते हैं दसवें क्वेश्चन की। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है।
प्रत्येक वर्ष कर्नाटक के भगवान वेंकटेश्वर मंदिर में वसंतोत्सव का आयोजन किया जाता है। गलत है, यह बसंत ऋतु के आगमन को चिन्हित करने के लिए मनाया जाता है। ये आपका सही है। तो इसमें आपका दूसरा कथन सही है और पहला कथन गलत है। प्रत्येक वर्ष तिरुमाला आंध्र प्रदेश के भगवान वेंकटेश्वर मंदिर में वसंतोत्सव का आयोजन किया जाता है। कहाँ? तिरुमाला आंध्र प्रदेश के भगवान वेंकटेश्वर मंदिर में, ठीक है, ना कि कर्नाटक के। क्वेश्चन है हमारा 11। मुद्रा स्फीति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है आपको। मुद्रा स्फीति से देनदारों को लाभ होता है, ये सही बात है। मुद्रा स्फीति से ऋण पत्र धारकों को लाभ होता है, ये आपका गलत है। इसमें आपका केवल एक कथन सही है, दूसरा आपका गलत है। मुद्रास्फीति वस्तुओं और सेवाओं के सामान्य मूल्य स्तर में निरंतर होने वाली वृद्धि है। यह मुद्रा की क्रय शक्ति में कमी को दर्शाता है। मुद्रास्फीति, जब तक कि ब्याज दरें मुद्रास्फीति से अधिक नहीं होती हैं, तब तक मुद्रास्फीति सदैव पैसे के मूल्य को कम करती है। इसमें क्या है, केवल एक कथन आपका सही है। क्वेश्चन है हमारा 12। बजट के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन गैर कर राजस्व है? निगम कर नहीं है, ऋण पर ब्याज ये है, निवेश पर लाभांश ये भी है आपका। तो इसमें आपका 2 और 3 सही है, बाकी 1 इसमें गलत है। तो इसमें होगा 2 और 3, यानी कि बी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन है हमारा 13। विभिन्न प्रकार के बजटीय घाटे के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कुछ गैर ऋण प्राप्तियों पर कुल व्यय की अधिकता को राजकोषीय घाटा कहा जाता है, सही है। राजकोषीय घाटे से ब्याज भुगतान को घटाने पर प्राथमिक घाटा प्राप्त होता है, ये भी आपका सही है। तो क्वेश्चन नंबर 13 में आपके दोनों कथन सही है, यानी कि सी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन है आपका 14। मिश्रित अर्थव्यवस्था का निम्नलिखित में से किसके साथ सटीक संबंध है? मिश्रित अर्थव्यवस्था का निम्नलिखित में से किसके साथ सटीक संबंध है? इसमें निजी एवं सार्वजनिक उद्यमों का सह अस्तित्व होता है, इसमें बी ऑप्शन सही होगा। बात करते हैं 15वें क्वेश्चन की। कॉपीराइट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। किसी कार्य के पूर्ण होते ही कॉपीराइट अस्तित्व में आ जाता है और इसे प्राप्त करने के लिए कोई औपचारिकता पूरी करने की आवश्यकता नहीं होती, ये सही है। कॉपीराइट पंजीकरण के कार्य को करने के लिए वाणिज्य मंत्रालय के तहत कॉपीराइट कार्यालय स्थापित किया गया है, ये आपका गलत है। इसमें आपका पहला कथन सही है। कॉपीराइट कार्यालय 1958 में स्थापित किया गया था। यह उच्च शिक्षा विभाग के प्रशासनिक नियंत्रण में कार्य करता है, याद रखना है, यह उच्च शिक्षा विभाग के प्रशासनिक नियंत्रण में कार्य करता है। तो क्वेश्चन नंबर 15 में आपका केवल एक कथन सही था, ए ऑप्शन सही था। याद रखिए, इस तरह की जो भी आपकी पीडीएफ होती हैं वो टेलीग्राम पर डाल दी जाती हैं, ठीक है, वहाँ से देखते रहिए। क्वेश्चन है हमारा 16। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है आपको। वित्त विधेयक का निर्माण केंद्रीय बजट जिसमें प्रस्तावित करों के प्रभाव, उन्मूलन, परिवर्तन या विनियमन का विवरण होता है, की प्रस्तुति के तुरंत बाद किया जाता है, ये आपका सही है। लेखानुदान नए वित्तीय वर्ष के एक हिस्से के
अनुमानित व्यय के संदर्भ में संसद द्वारा दिया गया अग्रिम अनुदान है, ये भी आपका सही है। अंतरिम बजट केवल सरकार के बजट के व्यय पक्ष से संबंधित है, ये आपका गलत है। तो इसमें 16 में आपका 1 और 2 कथन सही है, तीसरा आपका गलत है। जो लेखा अनुदान है केवल सरकार के बजट के व्यय पक्ष से संबंधित होता है, जबकि अंतरिम बजट खातों का एक पूरा समूह होता है जिसमें पूर्ण बजट के लिए व्यय और रसीद दोनों शामिल होते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 में आपके 1 और 2 कथन सही हैं। क्वेश्चन है हमारा 17। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। आउटकम बजट एक तरह का प्रोग्रेस कार्ड है जिसमें विभिन्न मंत्रालयों और विभागों का पिछले वार्षिक बजट में किया परिव्यय दिखाया जाता है, ये आपका सही है। जेंडर बजटिंग का अर्थ बजट को समान रूप से महिलाओं और पुरुषों के लिए विभाजित करना है, ये आपका गलत है। तो इसमें आपका केवल 1 कथन सही है। जेंडर जो बजटिंग का अर्थ है, लैंगिक दृष्टिकोण से बजट तैयार करना या उनका विश्लेषण करना, इसे लिंग संवेदनशील बजट के रूप में भी जाना जाता है। यह महिलाओं के लिए विभाजित बजट की आवश्यकताओं को शामिल नहीं करती है, ठीक है। क्वेश्चन है हमारा 18। क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कोर मुद्रा स्फीति वस्तुओं और सेवाओं की लागत में परिवर्तन को इंगित करती है, लेकिन इसमें खाद्य और ऊर्जा क्षेत्र शामिल नहीं है, ये आपका सही है। हेडलाइन मुद्रा स्फीति एक समय में एक अर्थव्यवस्था में सभी वस्तुओं और सेवाओं की कीमतों में परिवर्तन की दर को दर्शाती है, सही है। हेडलाइन मुद्रा स्फीति को पॉइंट टू पॉइंट मुद्रा स्फीति के रूप में भी जाना जाता है, ये भी आपका सही है। यानी कि क्वेश्चन नंबर 18 में आपके 3 कथन सही होंगे, क्या होंगे, 3 कथन सही होंगे, यानी कि आपका डी ऑप्शन सही होगा। बात करते हैं 19वां क्वेश्चन। वस्तु एवं सेवा कर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, वस्तु एवं सेवा कर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है आपको, ठीक है। वस्तु एवं सेवा कर वस्तुओं और सेवाओं की खपत पर लगने वाला गंतव्य आधारित कर है, सही है। रंगराजन समिति ने जीएसटी की सिफारिश की थी, ये आपका गलत है। जीएसटी परिषद एक संवैधानिक निकाय है, ये भी आपका सही है। याद रखिए वर्ष 2004 में, कब 2004 में, डॉक्टर विजय केलकर समिति ने जीएसटी की सिफारिश की थी, किसने, डॉक्टर विजय केलकर ने, ठीक है। और जीएसटी परिषद एक संवैधानिक निकाय है, जैसा कि आपको पता होगा कि 101वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम 2016 में अस्तित्व में आया और इसके अनुच्छेद 279(1) के अनुसार संवैधानिक संस्था के रूप में 15 सितंबर 2016 को जीएसटी परिषद का गठन किया गया था, ठीक है। तो इसमें आपका क्या था, 1 और 3 कथन सही था, सी ऑप्शन सही था। बात करते हैं 20वां क्वेश्चन, क्या है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत में भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा सरकार के परामर्श से मुद्रा स्फीति लक्ष्य निर्धारित किया जाता है, गलत है। मुद्रा स्फीति लक्ष्य को थोक मूल्य सूचकांक द्वारा मापा जाता है, ये भी आपका गलत है। तो इसमें आपके दोनों कथन गलत हैं, ना तो 1 सही है और ना ही 2। भारत में हर पाँच साल में एक बार RBI के परामर्श से मुद्रा स्फीति का लक्ष्य सरकार द्वारा निर्धारित किया जाता है। मुद्रा स्फीति का लक्ष्य को उपभोक्ता
मूल सूचकांक यानी कि CPI द्वारा मापा जाता है। किस द्वारा? CPI द्वारा। ठीक है, तो इसमें आपके दोनों कथन गलत थे, ना तो एक सही था और ना ही दो। बात करते हैं 21वें क्वेश्चन की। क्या है क्वेश्चन नंबर 21? थोक मूल्य सूचकांक WPI के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्या करना है? विचार करना है। WPI लेनदेन के प्रारंभिक चरण के स्तर पर थोक बिक्री के लिए वस्तुओं की कीमतों में औसत परिवर्तन को मापता है, सही है। WPI सेवाओं को शामिल करता है, यह भी सही है। भारत में WPI को हेडलाइन मुद्रास्फीति दर के रूप में भी जाना जाता है, यह भी आपका सही है। भारत में WPI की गणना केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय करता है, ये आपका गलत है। तो इसमें आपके तीन कथन, 1, 2, 3 कथन सही हैं, और जो आपका चौथा कथन है ये आपका गलत है। भारत में WPI की गणना आर्थिक सलाहकार और औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग तथा वाणिज्यिक और उद्योग विभाग मंत्रालय द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा? गणना आर्थिक सलाहकार, उद्योग नीति और संवर्धन विभाग तथा वाणिज्यिक और उद्योग मंत्रालय द्वारा किया जाता है इसकी गणना। ठीक है, तो इसमें आपके 1, 2, 3 कथन सही था, यानी कि सी ऑप्शन इसमें सही है। बात करते हैं 22वां क्वेश्चन। मुद्रा स्फीति जनित मंद निम्नलिखित में से किसके संयोजन का परिणाम है? स्थिर आर्थिक विकास, उच्च बेरोजगारी, उच्च अपस्फीति, ये आपका गलत है। इसमें आपका 1 और 2 सही है। 22 में आपका 1 और 2 सही है। बात करते हैं 23वें क्वेश्चन की। केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय CSO द्वारा निम्नलिखित में से किसे संकलित किया जाता है? राष्ट्रीय खाते, औद्योगिक उत्पादन सूचकांक, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, मानव विकास के आंकड़े। चारों सही हैं इसमें। क्वेश्चन नंबर 23 में आपके चारों सही हैं, तो इसमें आपका D होगा। चलिए अब बात करते हैं 24वें क्वेश्चन पर। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित कथनों पर हमें विचार करना है। वेवल वस्तुएं विशेष प्रकार की निकृष्ट वस्तुएं होती हैं जो मांग से संबंधित कानून का पालन नहीं करती हैं, क्योंकि जैसे ही इनकी मांग बढ़ती है इनकी कीमत भी बढ़ जाती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि लोग भविष्य में इनकी कीमत में वृद्धि होने की संभावना और कम उपलब्धता के अनुमान के चलते इन सामानों की अधिक खरीदारी शुरू कर देते हैं, गलत है कथन। गिफिन वस्तु ऐसी वस्तुएं होती हैं जिनका इस्तेमाल धनी लोग स्टेटस सिंबल के तौर पर करते हैं, ये भी आपका गलत है। यानी कि दोनों कथन आपके गलत हैं। आपको बता दें, गिफेन वस्तुएं विशेष प्रकार की निकृष्ट वस्तुएं होती हैं, जैसे चावल हो गया, आटा हो गया, नमक हो गया, ज्वार हो गया, बाजरा आदि आपके खाद्य पदार्थ किस में आते हैं? गिफेन वस्तुओं में, जो मांग से संबंधित कानून का पालन नहीं करती हैं, क्योंकि जैसे ही इनकी मांग बढ़ती है इनकी कीमत में बढ़ जाती है। इसलिए ऐसा होता है क्योंकि लोग भविष्य में इनकी कीमत में वृद्धि होने की संभावना और कम उपलब्धता के अनुमान के चलते इन सामानों की अधिक खरीदारी शुरू कर देते हैं। ठीक है, जैसे कि अभी कुछ ही दिनों पहले आपने देखा होगा कि देश में विभिन्न हिस्सों में लोगों ने ऊंचे दामों पर नमक खरीदना शुरू कर दिया था, और हम लोग स्टेटस सिंबल गुड्स या बेवलन वस्तुओं की बात करें तो एक यह ऐसी वस्तुएं होती हैं जिनका इस्तेमाल धनी लोग स्टेटस सिंबल के तौर पर करते हैं, जैसे हीरे, डिजाइनर आभूषण, लग्जरी कारें आदि।
इन वस्तुओं की कीमत जितनी अधिक होगी मांग भी उतनी ही अधिक होगी। तो इसमें आपका दोनों कथन गलत थे, ना तो एक सही था और ना ही दूसरा। बात करते हैं 25वें क्वेश्चन की। चल निधि समायोजन सुविधा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। चल निधि समायोजन सुविधा भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों को आवश्यक मामलों में तरलता का लाभ उठाने हेतु विस्तारित एक सुविधा है। सही है। यह बैंकों को पुनर्खरीद समझौते के माध्यम से धन उधार लेने की अनुमति प्रदान करती है। ये भी आपका सही है, यानी कि क्वेश्चन नंबर 25 में आपके दोनों कथन सही हैं, यानी कि सी ऑप्शन सही है। चलिए, तो ये थे आपके 25 महत्वपूर्ण क्वेश्चंस। इसी तरह के और भी हम लोग क्वेश्चंस लाते रहेंगे, ठीक है।